लेकिन नीतीश कुमार ने क्या महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनसे राय ली कि तेजस्वी यादव को नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐलान कर दिया जाए? नीतीश कुमार ने क्या ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है महागठबंधन में जिसमें यह सहमति बनी हो कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन के नेता के तौर पर घोषित कर दिया जाए, भले ही वो 2025 के लिए घोषित किया जाए? और एक खबर एक ऐसे ही बीच में आई थी कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अब पार्टी की जो भी रणनीतियां हैं वो ललन सिंह तैयार करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को खुद नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों को पता नहीं होता है वो क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार को तो पता है वो क्या करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ श्रेया। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा भी मौजूद है। तो इस वक्त जो अभी बहुत ही चर्चा का विषय जो बना हुआ है सियासी गलियारे में, हलचल मचा हुआ है, वो इस बात को लेकर के कि क्या नीतीश कुमार जो है अब वो तेजस्वी यादव का नाम सामने ला करके अपना मुसीबत मोल ले लिए हैं, या फिर अभी जो विलय पार्टी में विलय होने का जो विषय है वो एक अहम मुद्दा बना हुआ है। इस बात पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभिषेक जी, क्या लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री ने जो 2025 के लिए तेजस्वी यादव का जो नाम का ऐलान किया है, तो इस बात से क्या लगता है कि वो अपने लिए एक मुसीबत मोल लिए? बिल्कुल, देखिए मुसीबत मोल ले ली है उन्होंने और एक तरह से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। और ऐलान तो कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन अब वो इस मामले को लेकर बैकफुट पर हैं। हालांकि अपने ऐलान से वो पीछे हट जाएंगे हमेशा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, महागठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो अब ऐसा नीतीश कुमार नहीं कहने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करता नहीं होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे। नीतीश कुमार के इस बयान ने जेडीयू के अंदर की बेचैनी बढ़ा रखी है। दूसरा मामला यह है विलय का, जिसकी चर्चा आप रोज सुनती हैं, आप खबरें भी बताती हैं अपने दर्शकों को। विलय को लेकर रोज नए कयास, नई खबरें सामने आती हैं और हर पल इसको लेकर घटनाक्रम बदल रहा है बिहार की राजनीति का। अब विलय को लेकर भी जेडीयू में थोड़ी बेचैनी है, जेडीयू के नेताओं में। आपको याद होगा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है और ये आत्मघाती कदम होगा, ये जेडीयू की मौत जैसा होगा। उपेंद्र कुशवाहा को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती अगर विलय की सुगबुगाहट नहीं होती या उपेंद्र कुशवाहा को भी विलय की आशंका नहीं होती। नीतीश कुमार के साथ जो लंबे वक्त तक रहे हैं वो भी नहीं जानते कि अगले कुछ मिनटों में नीतीश कुमार क्या करेंगे। उनकी पार्टी के एक सांसद रहे हैं, अब वो पूर्व सांसद हैं, दूसरी पार्टी में हैं और उनसे जब हमारी बातचीत एक दिन हो रही थी, उन्होंने कहा मैं 24 सालों तक नीतीश कुमार के साथ रहा हूं और अगले 24 मिनट में नीतीश कुमार क्या करेंगे ये नहीं पता चलता। तो देखिए, मुसीबत तो मोल ले ली है नीतीश कुमार ने, जेडीयू के कई नेताओं के अंदर बेचैनी है और खासकर विलय को लेकर जो है उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है और उसने भी बीजेपी को टेंशन दे दी है, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने भी नीतीश को टेंशन दे दी है उस परसेप्शन ने कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, ये महागठबंधन के ही कई दल नहीं मानेंगे, जेडीयू के कई नेता तो मानेंगे नहीं, जेडीयू के अंदर भी इस बात की बेचैनी है, खलबली है और जेडीयू को भी, जेडीयू के कई नेताओं को भी यह स्वीकार्य नहीं होगा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हों। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनसे राय ली कि तेजस्वी यादव को नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐलान कर दिया जाए? नीतीश कुमार ने क्या ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है महागठबंधन में जिसमें यह सहमति बनी हो कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन के नेता के तौर पर घोषित कर दिया जाए, भले ही वो 2025 के लिए घोषित किया जाए? ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पर महागठबंधन में भी खलबली है, टकराव तक भी ये बात जा सकती है, आने वाले दिनों में टकराव भी देखने को मिल सकता है, 2024 में देखने को मिले, 2025 में देखने को मिले, लेकिन मिल सकता है। नीतीश कुमार ने अगर ऐलान किया है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। बिल्कुल, और एक खबर एक ऐसे ही बीच में आई थी कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अब पार्टी की जो भी रणनीतियां हैं वो ललन सिंह तैयार करेंगे, तो आपने जो नहीं, वो तो उन्होंने मिशन 2025 के लिए कहा था। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को गोलबंद करने में, लामबंद करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कहा था कि देखिए अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो इसको देखेंगे किससे मिलना है, किससे मुलाकात करना है। जो सवाल उनसे पूछा गया कि
विपक्षी एकता का क्या हुआ, विपक्ष की गोलबंदी का क्या हुआ, विपक्षी नेताओं की गोलबंदी लामबंदी का क्या हुआ, तो इस पर उन्होंने कहा ये सब ललन सिंह देख रहे हैं, वो देखेंगे जी। तो अब क्या लगता है कि जिस तरीके से खलबली जो नीतीश जी ने अपने पार्टी के नेताओं के अंदर जो एक खलबली मचा दी है इस विलय और इस बात को लेकर के, तो क्या अब इसको शांत करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं या फिर क्या, मतलब ये खलबली जो नहीं शांत करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और एक बयान, कल आप जानती हैं बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल बिहार जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे अपने सूत्रों ने जो जानकारी दी है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि बीजेपी ने ये जो धारणा फैलाई है, बीजेपी ने जो दुष्प्रचार किया है कि हमारी पार्टी का विलय होने जा रहा है, उसको खत्म करना है, उसको खारिज करना है, तो नीतीश कुमार अपने नेताओं की बेचैनी शांत करने में जुटे हुए हैं, उनको कन्विंस करने में जुटे हुए हैं, हम विलय नहीं करने जा रहे हैं, विलय वाली बात सही नहीं है, ताकि जेडीयू के नेताओं के अंदर जो बेचैनी है वो खत्म हो सके जी। तो अब क्या लगता है, जैसा कि आपने भी खुद कहा कि नीतीश जी जो है वो अब कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा, वो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। तो अब क्या लगता है कि जो विलय वाली खबर है ये सच्ची है या फिर क्या सच में जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है या नहीं होना? नहीं, बता देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को खुद नहीं पता वो क्या करने वाले हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों को पता नहीं होता है वो क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार को तो पता है वो क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार ये देखना होगा, लेकिन विलय होगा कि नहीं होगा। देखिए, विलय की एक और कहानी मैं आपको बता देता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जो आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, वो उनकी पार्टी हुआ करती थी रालोसपा, नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार से जब रास्ते अलग हुए, दोस्ती तोड़ी, तो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, फिर अपनी पार्टी रालोसपा बनाई। जब उनकी मुलाकात लगातार होने लगी विलय से पहले, उनकी पार्टी का विलय जेडीयू में हुआ आप जानती हैं, और जब विलय की सुगुगाहट होने लगी, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच फोन पर बातचीत होने लगी, दोनों के बीच मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी नहीं बताया था। उनकी पार्टी के कई नेताओं से हमने पूछा था, आपको पता था विलय होगा, खुद उपेंद्र कुशवाहा से हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि वो अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, और दो दिनों बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जी। तो विलय की एक कहानी यह भी है कि जिस पार्टी का विलय होना था उस पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं था कि हमारी पार्टी का विलय होने जा रहा है दो दिन पहले तक। तो विलय करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सरप्राइज देने में माहिर हैं। तो अगला कदम वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का सरप्राइज देने वाले हैं, मेरी जो अपनी राजनीतिक समझ है, विलय नहीं होगा ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, और विलय हो ही जाएगा ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता जी। बिल्कुल, तो अब इस बात से तो अब नीतीश कुमार ने खुद खंडन किया है इस खबर का, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या अगला कदम उनका होगा ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा, क्योंकि वो और उनके पार्टी के नेता जो है वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहेगा, पार्टी में विलय होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही अब बता पाएगा। लेकिन अभी के फिलहाल इस चर्चा में और इस विलय वाले विषय के लिए इतना ही, और फिलहाल आगे अपडेट के साथ हम आपके साथ आएंगे। तो अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।